नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू उपचार इंडिया पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी औषधि पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है शिवलिंगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, शिवलिंगी का पौधा वर्षा ऋतु में उगने वाला पौधा है। यह पौधा एक बेलनुमा पौधा होता है। इसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं और दोस्तों इसमें गोल गोल फल लगते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को देख लो, पहचान लो, इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, शिवलिंगी के बीजों का प्राचीन काल से आयुर्वेद शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शिवलिंगी के औषधि फायदे बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, शिवलिंगी के बीज संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन की शिकायत है, कभी कभी ऐसा होता है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती हैं फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तो दोस्तों उन महिलाओं के लिए शिवलिंगी के बीज एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों, इसके लिए स्त्री के मासिक धर्म के बाद यानी पीरियड के बाद जब स्नान कर ले तब से शिवलिंगी के बीज 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लेकर उनको बारीक पीस कर उनमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर देसी गाय के दूध के साथ सुबह शाम 21 दिन लेने से गर्भ अवश्य ठहरता है और सुंदर संतान की प्राप्ति और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय हिंद।